हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईवीएस सेक्शन के लिए। सीटेट में आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आप खुद को भी चेक कर सकते हैं कि कितना आपने जो पढ़ा है वो काम का है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो। अपने जो आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 50, या फिर लाइव चैट में आंसर्स कर सकते हैं और खुद को असेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड वॉट इज ग्रोन ऑन इट, दिस इज मैंडेटेड बाय। भाई, जो लोग 25 साल से ज्यादा समय से फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में रह रहे हैं, उनको ये राइट है कि वो जो लैंड है फॉरेस्ट की वो उनकी है, और जो भी वो उगाएंगे इस लैंड पर वो भी उनका होगा। ये कौन से लॉ के द्वारा ये बात को प्रमाणित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, द राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, या नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। एनसीईआरटीज में साफ साफ दिया हुआ है, जब हमने क्विक समरी की थी तो आप थर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 ये कहता है कि जो लोग 25 साल से अधिक समय से जंगल के अंदर रह रहे हैं तो उस जंगल पर उनका अधिकार है, और जो भी उस जमीन पर उगेगा वो उस पर भी उनका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, द डिफरेंट पैटर्न्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखिए, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो है 1972 का, और जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है वो है 2007 का। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, फॉरेस्ट वाला 2007 का, वाइल्ड लाइफ वाला 1972 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर। जो आप स्किन पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं एनिमल्स की, चाहे वो जेब्रा हो, चाहे वो फिर आपकी कोई भी गाय भैंस हो सकती है, कुछ भी, कोई भी एक एनिमल हो सकता है, किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, या ड्यू टू द वेदर कंडीशंस दे लिव इन। तो बिल्कुल ये ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे और बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जो एनिमल है, जो जानवर है, उसके जो शरीर पर स्किन है, हेयर की वजह से पैटर्न दिखता है उसकी स्किन पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के टॉपिक पर कौन सी एक बात है जिससे डाइवर्जेंट थिंकिंग को असेस किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है कि बच्चा अपसारी सोच रखता है? फर्स्ट है, लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल, ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल, या राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइकिल। तो खुद सोचें, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन या डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में होगी? तो बिल्कुल अगर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग को असेस करना है, आकलन करना है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हम ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या होगा अगर वाटर साइकिल ही ना रहे तो। यहाँ पर क्या होगा, बच्चा अपना दिमाग चलाएगा, ब्रेन स्टॉर्म करेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा और फिर एक आंसर पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है, पिचर प्लांट जिसको नेपेंथीज भी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में नहीं मिलता। Cleverly traps and eats frogs, insects and mice, emits sound of high pitch to attract insects, या has mouth covered with tiny hooks। तो बिल्कुल पिचर प्लांट या जिसको कहते हैं नेपेंथीज, एक तो कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर ये आपको बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हट जाता है, ये भी हमने किया हुआ है एनसीईआरटीज में। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि बहुत ही क्लेवरली ये क्या करता है, अपनी एक स्मेल को एमिट करता है, और जिससे जो बाकी के जो आपके जानवर हैं या इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होकर के आ जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हुआ, आपका इंसेक्ट है, माइस है, इन सबको ये अपने अंदर बंद कर लेता है। इसकी एक लीफ होती है जो एक ढक्कन की तरह काम करती है, और फिर वो बंद हो जाती है, इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो कैद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भाई, गैस्ट्रिक जूस जो आपके ह्यूमन स्टमक में होता है किस तरह का होता है? न्यूट्रल है, एसिडिक है, एल्केलाइन है, या एम्फोटेरिक है? तो बिल्कुल सोचें, यहाँ पर ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर एसिडिक होता है आपका जो ह्यूमन स्टमक में जूस है। नेक्स्ट है, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट, इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। भाई, एक बियर की तरह दिखता है, एक भालू की तरह दिखता है, बट है नहीं, 17 घंटे सोता रहता है 24 घंटे में से, और अपसाइड डाउन मतलब उल्टा होकर के रहता है एक ट्री ब्रांच पर, लगभग 40 साल तक जीता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी की जो लीव्स हैं उनको खाता रहता है। कौन है? चिंपैंजी है, पांडा है, स्लोध है, या फिर लंगूर है? तो ये भी हमने एनसीईआरटीज में पढ़ा हुआ है, स्लोध है ये, जो लगभग 5 साल एक पेड़ पर रहता है, तो ये इस तरह से 40 साल में 8 पेड़ों पर रहता है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैड एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस। भाई इनमें से कौन सा एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जो बहुत अच्छे से देख सकता है, जिसकी जो साइट है, देखने की क्षमता है, बहुत अच्छी होती है, इवन 4 गुना बेहतर है ह्यूमंस से। स्नेक्स, सिल्क वॉर्म्स और लिजार्ड्स, काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, बीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज या टाइगर, लियोपार्ड्स और बुल्स। तो खुद सोचें यहाँ पर क्या आंसर होगा। जो आपकी काइट्स हैं, मतलब जो चील है, ईगल है, वल्चर है, इन तीनों की जो आईसाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। तो सभी जगह पर हमारी कंट्री में क्या होता है कि चिलीज को ऐड किया जाता है खाना बनाते समय। तो चिलीज वर ब्रॉट टू आर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। तो ये हमने पढ़ा था एक चैप्टर में कि जो आपके अलग अलग मसाले हैं वो अलग अलग कंट्री से आए हैं। तो चिलीज जो है, मिर्च जो है, वो कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या उज्बेकिस्तान। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट के जो थॉर्न्स हैं वहां पर कौन सा एक बर्ड अपना घोंसला बनाएगा? वीवर बर्ड, रॉबिन बर्ड, डव या फिर सन बर्ड? तो आंसर होगा डव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द लैंग्वेज यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस की टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो कैसी है? शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल, टेक्निकल हो और फॉर्मल हो। शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। शुड बी टर्स एंड डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, या फिर फोर्थ ऑप्शन, शुड बी फॉर्मलाइज्ड विद एम्फेसिस ऑन डेफिनेशंस। तो ये आपको सोचना है यहाँ पर कौन सी एक बात सही होगी। भाई लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करें आप ईवीएस की टेक्स्ट बुक में, वो वैसी लैंग्वेज हो जो बच्चा अपने ज़्यादातर दिन प्रतिदिन जो आपकी उसकी प्रक्रिया है, दिनचर्या है, इस्तेमाल करता है अपनी एवरीडे लैंग्वेज में, उस तरह की भाषा होनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह की आसान भाषा में चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा, बच्चा जुड़ पाएगा उस बुक से, उस बुक की लैंग्वेज से, उसके कॉन्टेंट से। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क। इनमें से कौन सी एक क्वालिटी है ग्रुप वर्क में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको असेस करने की, उनका आकलन करने की, पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा, ओरल क्वेश्चंस, रेटिंग स्केल्स या असाइनमेंट्स? तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और रेटिंग स्केल्स के थ्रू उनको बेसिकली असेस कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, When a snake charmer plays on his musical instrument bean, the snake swings its head to and fro to its sound. How do you think the snake responds to the musical instrument? मतलब जो आपका सपेरा है, स्नेक चार्मर की स्टोरी भी हमने पढ़ी थी, ये क्या करता है, जो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बीन कहते हैं, जब वो इसको बजाता है तो जो स्नेक है वो स्विंग करने लगता है और उस पर कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का डांस करने लगता है। तो ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो स्नेक है उस बीन की तरफ रिस्पॉन्ड करता है? फर्स्ट इज स्मेल कर लेता है इस इंस्ट्रूमेंट को, या फिर बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, ये जो साउंड है इस बीन की या इस इंस्ट्रूमेंट की वो सुन करके आ जाता है, या बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो मूवमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का उसको देखकर, या बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्कुल जो डी ऑप्शन है वो सही है, जो स्नेक है वो बिल्कुल उसको सुनाई नहीं देता, उसको कोई आवाज़ नहीं आती, बस सिर्फ वो वाइब्रेशंस के थ्रू फील करता है और आता है, तो वो सुन करके नहीं आता, वाइब्रेशंस की वजह से रिस्पॉन्ड करता है। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, जो स्नेक्स हैं वो सुन नहीं सकते। नेक्स्ट है, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर टू चिल्ड्रन, दिस स्टेटमेंट इज। मतलब एक फैमिली उसको कहेंगे जहाँ पर एक माँ बाप हों और 2 बच्चे हों जिनके, तो इस बारे में आपको देखना है, ये बात गलत है, क्योंकि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बींग ऑफ ओनली वन काइंड। या फिर सही है, क्योंकि सिंस दिस इज एन आइडियल फैमिली साइज, या फिर से सही है बिकॉज दिस इज वॉट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक, या इनकरेक्ट है बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। खुद सोचें यहाँ पर, भाई ये न्यूक्लियर फैमिली का एक तरह से एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता प्रकार नहीं है फैमिलीज का, परिवार का, बहुत सारी तरह की मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। कुछ इस तरह के समझ के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो आप पढ़ के और समझेंगे तो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। Have you ever seen animals around your house or school that have small babies? कि भाई आपने ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों से कि आपने अपने घर और स्कूल के आसपास इस तरह के एनिमल देखे हैं जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं, तो उनके नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, राइट देयर नेम्स इन द नोटबुक। अब विच प्रोसेस स्किल इज असेस्ड थ्रू दिस क्वेश्चन। अब जो टीचर है यहाँ पर किस तरह की स्किल को असेस करना चाहता है बच्चों में, आकलन करना चाहता है, क्लासिफिकेशन और डिस्कशन की, हाइपोथिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन की,
कंसर्न फॉर जस्टिस या ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर खुद सोचें एक बार, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बच्चा ऑब्जर्व करेगा और अपनी नोटबुक में नाम लिखेगा, तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ईवीएस के अंदर, एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर, वो किससे संबंधित है? साइंस और सोशल साइंस के कंटेंट किससे संबंधित है? सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन साइंस, या फिर साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं पर्यावरण अध्ययन जो प्राइमरी लेवल पर आपका, स्पेशली थर्ड क्लास तक या कहें तो साइंस सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर कह सकते हैं, जो ये तीनों डिसिप्लिन्स हैं एक में ही समाहित हैं, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर एनवायरमेंट हो, क्योंकि बच्चा होलिस्टिक वे में देखता है अपने एनवायरमेंट को। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी को अलग से देखेगा, साइंस को अलग से देखेगा, सोशल साइंस को अलग से देखेगा, उसके लिए वो सिर्फ एनवायरमेंट है। इसलिए हम सिर्फ ईवीएस को ही पढ़ाते हैं छोटे लेवल पर। नेक्स्ट है, एन ईग्रेट सिट्स ऑन अ बफेलो बिकॉज। भाई जो एक ईग्रेट है, बगुला, आपने देखा होगा वो एक बफेलो की जो कमर है उस पर क्यों बैठेगा, उसके ऊपर आकर के क्यों बैठता है? फर्स्ट ऑप्शन है, द ईग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द ईग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो फॉर फन, या फिर द बफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ईग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या जो ईग्रेट है वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो। तो दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो जो कीड़े वगैरह होते हैं उसको खा जाता है, तो एक दूसरे पर निर्भर है, ये कह सकते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स फॉर द प्लांट। प्लांट में जो रूट्स हैं, जड़ हैं, उनका एक फंक्शन नहीं है। टू स्टोर फूड, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, या टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। खुद सोचें यहाँ पर, बिल्कुल जो बी ऑप्शन है वो सही है। टू प्रोवाइड ह्यूमस, जो आपकी रूट्स हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करने का काम नहीं करती, ये काम करती हैं आपकी लीव्स। नेक्स्ट है, रेनूज ग्रांड मदर शोज हर अ ड्राइड अप वेल एंड टेल्स हर दैट 15 to 20 ईयर्स अगो देयर वॉज वाटर इन द वेल, बट नॉट इट हैज कम्प्लीटली बट नाउ इट हैज कम्प्लीटली ड्राइड अप, वॉट कुड बी द रीजन फॉर ड्राइंग अप ऑफ वाटर इन द वेल। भाई रेनू की ग्रैंड मदर ने ये बेसिकली लैंग्वेज को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, ताकि टाइम कंज्यूम हो पेपर में, इसलिए दिया गया है क्वेश्चन। ये पूछा है कि आज के टाइम पर जो कुएं हैं वो क्यों ड्राई हो गए, सूख क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर वन है, द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाय एरिया इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, क्योंकि जो सीमेंट से कवर कर दिया गया है आसपास की जो जगह है, जो आपके ट्रीज हैं और कुएं हैं उनके आसपास की जगह को, या फिर अ लॉट ऑफ बोरिंग पंप्स हैव कम अप इन द नियर बाय एरिया, जो बोरिंग पंप्स हैं, मोटर्स हैं, उनको लगा दिया गया है आसपास, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल वाटर को खाली करते जा रहे हैं, या फिर नो बडी यूजेज द वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरीबडीज हाउस। तो ये तो वेल के सूखने का रीजन हो नहीं सकता, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड बात बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी के बारे में चीजें देखनी है, समझनी है। शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, बिल्कुल इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर हैं और कुछ 29 मेडल्स से भी ज्यादा जीत चुकी हैं। शी इज फ्रॉम कर्नाटका, पता नहीं, सोचें आप। शी हैज मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 किलोग्राम, ठीक है। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स। कर्णम मलेश्वरी के बारे में तीनों बातें ठीक हैं, बट वो कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वेट लिफ्टर हैं इंटरनेशनल फेम की, और आंध्र प्रदेश से हैं, उनके जो फादर हैं वो कांस्टेबल हैं, उनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग। 130 किलोग्राम तक की जो कैटेगरी है वहाँ पर वो वेट लिफ्ट कर लेती हैं, 12 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कर्नाटका से नहीं है, कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को छोड़ करके बाकी तीनों सही हैं, तो फर्स्ट थ्री एंड फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेप वेल्स और बाउलीज। तो बाउलीज के बारे में हमने पढ़ा था, पुराने समय पर पानी के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता था, स्टेप वेल्स जिनको कहते हैं, देखते हैं इनके बारे में क्या बात सही है। दे आर अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, मतलब वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पारंपरिक प्रथा है इस तरह की पानी को स्टोर करने की, या फिर दे वर यूज्ड एज अ कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता था। दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन पास्ट स्टेट्स, या दे कंटेन ओनली कॉन्टेमिनेटेड वाटर। खुद सोचें यहाँ पर क्या बात सही है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं, बट ये जो बात है कि सिर्फ और सिर्फ दूषित पानी रखता है बाउली के अंदर, दूषित पानी होता है, ये गलत है। तो समझते हैं यहाँ पर, देखते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हटाएंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेक्ट हैं, फोर्थ करेक्ट नहीं है, दूषित पानी नहीं होता हमेशा। नेक्स्ट है, वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज द स्टेट ऑफ। तो वर्ली एक ट्रेडिशनल पारंपरिक आर्ट की फॉर्म है, कहाँ पर है? वर्ली एक जगह है जिसके नाम पर ये आर्ट फॉर्म है।
महाराष्ट्र में उड़ीसा, राजस्थान या बिहार के अंदर है वर्ली, तो यह है मुंबई महाराष्ट्र में वर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। भाई इनमें से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जिसको दो चीजों के बारे में पता लग जाता है कि मतलब इतना ज्यादा शार्प है इसकी हियरिंग कि ये डिफरेंस मेक आउट कर लेता है जो आपकी रस्लिंग ऑफ लीव्स है, जो पत्तियों का खड़खड़ाना है और किसी एनिमल के चलने में है। तो ये है आपका टाइगर, वल्चर, सिल्क वॉर्म या फिर डॉग। तो आंसर होगा टाइगर। ये कई जगह पर आपको वल्चर मिलेगा बट इसका आंसर होगा टाइगर एज पर NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय अ ट्रेन, वन कम्स अक्रॉस मेनी टनल्स, दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ। तो ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है घुमा फिराकर कि जब एक व्यक्ति अहमदाबाद से केरला जाता है तो क्या कितने प्रकार की जो हिल्स हैं वो कौन सी हिल्स रास्ते में पड़ती हैं ये टनल्स के पास, विद्यांचल, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स। तो बिल्कुल वेस्टर्न में जा रहा है तो वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं आपके, कहाँ से कहाँ जाने में, अहमदाबाद से केरला जाने में। नेक्स्ट है, द अर्थ इज राउंड, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज जस्ट रिलेटिव, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ। भाई जो अर्थ है हमारी वो राउंड है और कुछ भी अप डाउन हो नहीं सकता उस चीज़ पर जो कि राउंड हो, रिलेटिव है सब कुछ। तो जो हम लोग हैं इंडिया के लोग वो किसके उल्टे खड़े हैं ये कह सकते हैं, अपसाइड डाउन है, कौन सी कंट्री के, अलास्का के लोगों के, लिबिया, अल्गेरिया या अर्जेंटीना। तो बिल्कुल जो सीटेट के हिसाब से इसको मानती है अलास्का, या वैसे भी आप देखेंगे तो अलास्का के अपसाइड डाउन है हम लोग। नेक्स्ट है, It is advised to put oil on stagnant water to prevent breeding of mosquitoes. भाई जो पानी है उस पर ऑयल को डाल दिया जाता है ताकि जो मच्छर हैं वो ना पनपे वहाँ पर, इसका रीज़न क्या हो सकता है? Because oil cuts off oxygen supply, thereby stops the breeding of mosquitoes. Mosquitoes are repelled by oil, mosquitoes are killed by oil, या फिर mosquitoes get stuck in the layer of oil. तो बिल्कुल जो फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है, जो आपका ऑयल है वो कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को, इससे क्या होता है मच्छरों का पनपना उस पानी के अंदर बंद हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। तो आपने देखा होगा हनी बीज जो है छत्ता बना करके रहती हैं, तो इनमें से कौन सा एक है जो कॉलोनी में नहीं रहेगा, वास्प, आंट, टर्माइट या स्पाइडर। चाहे वो वास्प हो आपकी, आंट्स हो, टर्माइट हो, दीमक जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे अपने झुंड में रहती हैं लेकिन स्पाइडर्स अकेले रहते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी मकड़ी है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट। भाई किस तरह का स्ट्रक्चर होगा एक आपके घर का वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है वहाँ की। तो देयर इज अ विलेज वेयर हाउसेज हैव फॉलोइंग फीचर्स। आपको एक विलेज या जगह का नाम पता लगाना है इन फीचर्स को देख करके। हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, जो आपके घर हैं वो बैम्बू पिलर्स मतलब जो बांस के पिलर हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं। जो इनसाइड ऑफ हाउस इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, जो घर का अंदर का भी हिस्सा है वो भी लकड़ी का बना हुआ है, जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। रूफ्स आर मेड विद अ स्लोप, स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। कौन सी जगह है जहाँ पर हैवी रेन मतलब जो हैवी रेन है वो होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है? असम में होगा ये विलेज, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में? बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ही है NCERT के फोर्थ या थर्ड क्लास की बुक में कि असम, जिसको हम आसाम कहते हैं, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्लोपिंग रूफ्स होंगी, बांस के जो आपके बैम्बू पिलर्स हैं उन पर बने होंगे, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होगा, थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया जाता है घर ताकि पानी जो है उससे कुछ खतरा ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल। कुडुक कौन से लोगों की भाषा है? मिजोरम के, मणिपुर के, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, कौन सी जगह से संबंधित है? तो कुडुक हमने समझा था कि एक जनजाति है, कहाँ पर? झारखंड में, जो जिसकी भाषा है कुडुक, ये ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द NCF 2005, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ EVS? NCF 2005 के हिसाब से कौन सी एक थीम हो सकती है EVS की? मेन्स जो है 6 थीम्स हैं, उसके अंदर कुछ सब थीम्स भी हैं, फूड, सोलर सिस्टम, वेदर या एनर्जी। तो बिल्कुल जो फूड है वो आपका सही थीम है EVS के हिसाब से, या NCF में अगर देखें जो फूड है, वाटर है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब क्या है हमारी थीम्स हैं EVS की। नेक्स्ट है, ये सब अगर आपको पढ़ना हो, आपने नहीं देखा है तो आप NCERT की समरी देख सकते हैं मैंने जो बनाई हुई है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग अ थीम बेस्ड अप्रोच। हम थीम बेस्ड अप्रोच को अपनाते हैं EVS के अंदर, इसका एक कौन सा एक रीज़न हो सकता है, आर्ग्यूमेंट सही हो सकता है इसके बारे में? बिकॉज इट हेल्प्स इन गिविंग अ स्ट्रक्चर टू लेसन प्लान्स एंड मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव।
It helps in making teaching more interesting and activity-based. It helps in covering a wide range of concepts, issues, and skills. या फिर इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड एक्सेसिंग नॉलेज होलिस्टिकली. हमने थीम्स को अपनाया हुआ है यहाँ पर ईवीएस में और थीम बेस्ड अप्रोच को अपनाते हैं. तो इसका एक रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट की बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, सॉफ्ट किया जाए, और जो नॉलेज है उसको होलिस्टिक वे में देखा जाए. बच्चा जैसे अपनी फैमिली है या जो जितने भी अदर थीम्स हैं उनको पूरे समग्र रूप में एनवायरमेंट को देखता है, एनवायरमेंट के अंदर उन चीज़ों को देखता है. तो एक रीज़न है थीम बेस्ड अप्रोच अपनाने का. क्वेश्चन नंबर 31. Stories are an important aspect of teaching learning EVS in primary classes. Which one of the following is least appropriate reason for including storytelling as pedagogy in EVS classroom? भाई आपकी EVS की pedagogy की जो class है वहाँ पर stories को include करने का least appropriate मतलब सबसे कम बेहतर reason कौन सा होगा? Because stories include experiences of the people. Stories cut across various subject areas. Stories help in classroom management. या फिर स्टोरीज प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू रिलेट ईवीएस कॉन्सेप्ट्स. तो कौन सा एक सही बात यहाँ पर हो सकती है? तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, स्टोरीज हेल्प इन क्लास मैनेजमेंट. सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आप स्टोरीज इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करने के और भी कई चीज़ों के. मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स. मीरा लाइक्स टू ईट समोसाज, कटलेट्स एंड ब्रेड. दिव्या ऑन द अदर हैंड टेक्स एन आयरन डेफिशिएंट डाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफर फ्रॉम रेस्पेक्टिवली. भाई मीरा और दिव्या दो यंग गर्ल्स हैं, जिसमें से जो मीरा है वो समोसा और कटलेट ब्रेड ये सब तला भुना खाना पसंद करती है. दूसरा जो दिव्या है वो एक आयरन डेफिशिएंट डाइट लेती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन की कमी उसको होनी ही होनी है. तो दोनों के रोग हमें समझाने हैं कौन किसको क्या हो सकता है. पहले ध्यान में रखना है मीरा को और दूसरे नंबर पर दिव्या को. मीरा लेती है तला भुना और दिव्या लेती है आयरन डेफिशिएंट डाइट. बीमारी देखनी है कौन सी होगी, ओबेसिटी एंड स्कर्वी, स्कर्वी एंड एनेमिया, एनेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, या ओबेसिटी एंड एनेमिया. तो अभी हमने डिस्कस किया था जो मीरा है पहले वाली वो क्या लेती है, तला भुना खाती है तो ओबेसिटी होगा, मोटापा आएगा, और दूसरे वाली जो आयरन डेफिशिएंट डाइट ले रही है उसको एनीमिया होगा, खून की कमी होगी. नेक्स्ट है टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल अ टीचर कैन. अगर आपको बच्चों को अवेयर करना है अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स के बारे में तो टीचर क्या करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज शो सम सैंपल्स ऑफ फ्यूल्स इन द क्लास. फ्यूल को ले आओ क्लास में और सैंपल दिखा दो. या फिर डिस्कस विद चिल्ड्रन अबाउट पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग अलॉन्ग विद अ शॉर्ट फिल्म. आप एक फिल्म को चला सकते हो पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल के बारे में डिस्कशन कर सकते हो बच्चों से. या फिर शो पिक्चर्स ऑफ फ्यूल्स ऑन अ चार्ट. या आस्क चिल्ड्रन टू लिस्ट डिफरेंट फ्यूल्स. अब यहाँ पर प्रैक्टिकल, लॉजिकल और जिसमें बच्चा एक्टिव हो वो कौन सा एक ऑप्शन हो सकता है, आप खुद सोचें. जो बी ऑप्शन है सबसे बेहतर है. एक तो बच्चे के थॉट्स को आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं, जो भी वो जिन भी प्रकार को समझता है जानता है फ्यूल्स के. और दूसरा यहाँ पर आप एक शॉर्ट फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे और बेहतर लर्निंग होगी. तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है. सभी प्रकार के फ्यूल आप क्लासरूम में ला करके नहीं रख सकते, फेजिबल ही नहीं है बेसिकली. नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ अ रेलवे टिकट इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक इज. आपने देखा होगा ईवीएस की टेक्स्ट बुक में एक रेलवे टिकट को शो किया गया है. इसका क्या एक रीजन हो सकता है इस सैंपल को दिखाने का फोटोज में? Enhance the skills of students to arrive at conclusion. Give them an opportunity to interact with real information and develop the skill of observation. Give the students an idea of the rail fare. Ya provide them the knowledge of various abbreviations used in the ticket. तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन है सही है कि भाई आपने रियल जो टिकट है उसका फोटोग्राफ लगाया हुआ है ताकि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले रियल इन्फॉर्मेशन से इंटरेक्ट करने की, और ऑब्जर्वेशन की स्किल उनके अंदर डेवलप हो. जब वो रियल में देखें उसको बाहर जाकर के तो उनको ऑलरेडी पता हो कि वो किस तरह का दिखता है, तो वो ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे, देख पाएंगे. नेक्स्ट है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू अ मॉस्किटो स्टमक एंड प्रूव्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया एंड फॉर हिज रिसर्च वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन डिसम्बर 1902. कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बात की जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला कि जो आपका मच्छर है उससे मलेरिया होता है? इससे पहले लोग इसको बुरी हवा की वजह से होने वाली कोई बीमारी समझते थे. चार्ल्स डार्विन, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मिस्ट्रल या ग्रेगर मेंडल. तो जो आपके रोनाल्ड रॉस हैं वही ये सही व्यक्ति हैं. इनको नोबेल प्राइज़ मिला किसके लिए? क्योंकि इन्होंने ये जाना मच्छर के पेट में झांक करके कुछ स्टडी करके कि इसकी वजह से मलेरिया होता है, ना कि बुरी हवा की वजह से. ग्रेगर मेंडल आपके हेरिडिटी के जनक हैं ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अलब्रूनी. अलब्रूनी कौन था? तो अलब्रूनी एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने इंडिया पर रूल किया लगभग 40 साल तक. या फिर ट्रेडर था एक अफगानिस्तान से आया हुआ जो ड्राई फ्रूट बनाता था. या फिर
ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आर कंट्री, या ट्रेवलर हु ट्रेवल्ड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू स्टडी द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल. तो जो अल्बरूनी था, इसकी स्टैम्प के बारे में भी हमने बात की थी एनसीईआरटी समरी के टाइम पर. अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, जिसने एक किताब लिखी इंडिया के पास्ट के बारे में, कैसा यहाँ का स्ट्रक्चर था, स्पेशली लेक पॉइंट्स ये सब कैसे हुआ करते थे इस बारे में. तो उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक ट्रेवलर था अल्बरूनी. नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट हर्ड. एलिफेंट्स का जो हर्ड है, झुंड है, उसके बारे में सही चीज़ को, आपको करेक्ट चीज़ को टिक करना है. An elephant herd has mainly females and baby elephants up to 14 to 15 years. जो एक elephant herd है, झुंड है हाथियों का, उसमें ज़्यादातर female elephant होती हैं और कुछ baby elephant होते हैं जो 14 से 15 साल के होते हैं. या फिर an elephant herd comprises members of a particular family. सिर्फ एक particular family के member होते हैं एक elephant herd में. या the oldest female is the leader of the herd. या an elephant herd may एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस. तो यहाँ पर दो चीज़ें ठीक हैं, एक तो जो 14 से 15 साल के बच्चे और मेनली फीमेल एलिफेंट होते हैं हर्ड में, और दूसरा ओल्डेस्ट जो फीमेल होगी उस हर्ड के अंदर वो उनकी लीडर होगी. तो ए और सी यहाँ पर सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन वो वाला प्रेजेंट नहीं है और ये टाइपिंग मिस्टेक है, बट ध्यान में रखें ये दोनों बातें सही हैं. नेक्स्ट है, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर. भाई आपने देखा होगा पेटल्स के अंदर जो है एक बिल्कुल बीच में क्या मिलता है, पाउडरी स्ट्रक्चर मिलता है. एंथर के अंदर होगा पॉलन, रेडिकल या स्टिग्मा है, क्या है तो ये पॉलन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इफ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन. आप अहमदाबाद गुजरात जा रहे हैं ट्रेन से, देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग. तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप क्या देखेंगे, किस तरह का खाना जो वहां के वेंडर्स हैं वो बेच रहे हैं. ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस, छोले भटूरे, इडली चटनी एंड वडा चटनी, पूरी शाक एंड ठंडा दूध. खुद सोचें यहाँ पर क्या सही आंसर होगा. भाई बिल्कुल अहमदाबाद गुजरात से जब आप कहाँ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, तो आपको बिल्कुल क्या लगेगा, गुजरात में हमने पढ़ी थी ये बात अगर आपको याद हो, ढोकला और चटनी वहाँ का फेमस है एंड लेमन राइस. तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज. जो बर्ड्स हैं वो अपनी गर्दन को बार बार घुमाते रहते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो. दे कैन फ्लाई, क्योंकि वो फ्लाई कर सकते हैं इसलिए गर्दन को घुमाते रहते हैं. द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, उनकी जो आइज हैं वो फिक्स्ड हैं. या द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, छोटी सी आइज हैं उनकी. देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फीदर्स. तो ईयर्स कवर होने से बार बार गर्दन घुमाने का कोई अर्थ नहीं है. बी ऑप्शन इसका सही है. जो बर्ड्स की आइज होती हैं, आंखें हैं, वो एक जगह पर फिक्स्ड हैं, तो उनको अगर दूसरी तरफ आगे पीछे मुड़ करके देखना है, ऑब्जेक्ट देखने हैं, तो उनको पूरी गर्दन को घुमाना पड़ता है. तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है कि उनकी आइज फिक्स्ड होती हैं और ईयर्स फीदर्स से कवर होते हैं. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मैच ईच ऑफ द लोकेशन विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन. तो आपको यहाँ पर देख करके बताना है कि कौन सा घर है जो किस तरह से बनाया जाता है. मनाली में किस तरह के घर होंगे, राजस्थान, असम, लद्दाख, या अब यहाँ पर हाउसेस के टाइप दे दिए. तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है कि एलिवेटेड हाउसेस और बैम्बू पिलर्स पर कहाँ बने होंगे. तो ये हमें पता है असम में होंगे. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हमने पकड़ लिया यहाँ पर. तो फर्स्ट का सी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट का सी दिया हुआ है. तो ये हम देख सकते हैं, मतलब सी का, सी के साथ फर्स्ट को लगाया हुआ है, एलिवेटेड और बैम्बू पिलर्स पर बने हुए हैं. तो ए का सी सिर्फ और सिर्फ आपके सी ऑप्शन में ही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा. इस तरह से मतलब पकड़ सकते हो. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपको और दो तीन भी मैच कर सकते हो एक साथ, बट क्योंकि मेरा एक से ही निकल जा रहा है तो इस तरह से इसको देख सकते हैं. आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज दैट टू अ पेशेंट दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड. डायग्नोस किया एक डॉक्टर ने, पता लगाया और देखा कि एक पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है एक ब्लड में उसके. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. ये जो आयरन की कमी है, एनीमिया ना हो जाए उसको, इसके लिए डॉक्टर उसको क्या सलाह देगा कि उसको क्या खाना चाहिए. राइस, शुगर और आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट और ऑरेंज, जैगरी, लेमन पी या आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या जैगरी. बिल्कुल जो डी ऑप्शन है सही है. उसको क्या लेनी है, जिसमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आयरन ज़्यादा हो. तो जो आपका आंवला है, जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां, और जैगरी मतलब की गुड़, इनमें आयरन की मात्रा अच्छी खासी होगी, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उस एक पेशेंट के ब्लड में. तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है, हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑन ईवीएस 2. किस चीज़ को हायर प्रायोरिटी और स्पेस दिया गया है एनसीईआरटी की ईवीएस की टेक्स्ट बुक में. एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर फॉर कॉन्टेम्पलेशन एंड वंडरिंग, या फिर प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ टेक्निकल टर्म्स,
इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो बच्चों को बिल्कुल जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, बच्चों को वॉन्डर करने की, विचरण करने की, समझने की, सोचने की, विचार करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी ईवीएस टेक्स्ट बुक इंक्लूड अ सेक्शन व्हाट वी हैव लर्नड इन द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. भाई क्लास फिफ्थ के हर एक चैप्टर के बाद लिखा हुआ है कि व्हाट वी हैव लर्नड नाम की एक एक्सरसाइज सा दी हुई है, एक सेक्शन बनाया हुआ है. ये सजेस्ट करता है बच्चों को कि वो आंसर करें इसमें लिखे हुए क्वेश्चन को, जिससे कि उनकी जो बात है वो सही है गलत है उसको देखा जा सके. तो ये जो शिफ्ट है किस चीज पर बेस्ड होगी ये देखते हैं इसका क्या औचित्य है इस तरह से देने का. फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन कैन नॉट राइट करेक्ट आंसर्स एट दिस स्टेज. इट एनहेंसेज कन्वीनियंस टू टीचर्स. इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग. या इट रिड्यूसेस सब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट. भाई जब कह दिया गया उनको कि आपने जो भी पढ़ा है क्वेश्चंस दिए हैं और येस और नो की फॉर्म में बच्चों को बताना है, तो बिल्कुल ये हेल्प करेगा टीचर को ये जानने में कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. गिवन बिलो आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज. भाई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज को पहचानना है जो आज के टाइम पर रिस्पॉन्सिबल हैं. किस चीज़ के लिए? जंगलों के विनाश के लिए, डिसअपीयरेंस के लिए. डिगिंग ऑफ माइंस, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, या कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड हर्ब्स टू सेल देम इन द मार्केट, या वीविंग बास्केट फ्रॉम बैम्बू, या मेकिंग लीफ प्लेट्स आउट ऑफ फॉलन लीव्स. तो खुद सोचें यहाँ पर जो दोनों शुरुआती ऑप्शन हैं बिल्कुल ठीक हैं, जो माइंस को डिग करना और डैम्स को बनाना फॉरेस्ट के गायब होने का एक रीज़न है. बाकी तीनों नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, बैम्बू से एक बास्केट बना लेना, लीव्स जो गिरी हुई हैं उनको इस्तेमाल कर लेना, तो उससे तो कुछ नहीं नुकसान पहुंच रहा, उससे तो यूज़ ही हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का. लेकिन जो ये दोनों हैं इनसे नुकसान पहुंच रहा है आपके जंगल को. तो ए एंड बी इसका बोथ आंसर होगा. ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे जंगल को नुकसान पहुंच रहा है. क्वेश्चन नंबर 46. माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ. तो माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माथा भी कहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, नेपाल में है, इंडिया में है, तिब्बत या म्यांमार. तो ये है आपका नेपाल में, जिसको वहां नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है. इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 8900 मीटर, मतलब कि 8848 मीटर्स के अराउंड है इसकी जो ऊंचाई है. नेक्स्ट है, अ पर्सन लिविंग इन गांधीधाम गुजरात वॉन्ट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन हैदराबाद आंध्र प्रदेश. एक व्यक्ति है जो गुजरात गांधीधाम में रहता है, वो पहले मध्य प्रदेश जाना चाहता है, फिर उसके बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पहुंचना चाहता है. तो आपको मैप में इमेजिन करना होगा कि पहले वो किस साइड जाएगा. पहले वेस्ट जाएगा फिर साउथ में, पहले ईस्ट जाएगा देन साउथ, पहले साउथ फिर वेस्ट, या फर्स्ट साउथ एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट. तो यहाँ पर देखना पड़ेगा गुजरात कहाँ है आपका. आप अच्छे से जानते हैं कि वेस्ट में है, और फिर उसको जाना कहाँ है, भोपाल जाना है तो मतलब ईस्ट में जाना चाहता है, फिर उसके बाद हैदराबाद जाना है तो साउथ में जाएगा, तो ईस्ट के बाद साउथ में जाना चाहता है, ये हमें देखना है. बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. तो मैप जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, एक दो नंबर का मैप भी आता ही आता है. नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन एयर इज एवरीवेयर. एक टीचर को पढ़ाना है एयर जो है आपकी जो हवा है वो हर एक जगह है फोर्थ क्लास के बच्चों को, तो कौन सी एक एक्टिविटी है जिसको प्लान किया जा सकता है. विच वन ऑफ द प्रपोज एक्टिविटी इज नॉट रेलिवेंट फॉर टीचिंग ऑफ द टॉपिक इफेक्टिवली. अब यहाँ पर यह कहा गया है कौन सी एक एक्टिविटी है जो रेलिवेंट नहीं है. अब ये नॉट जरूरी है, नहीं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. ऑप्शन देख लेते हैं. टेक द स्टूडेंट्स टू अ फील्ड ट्रिप. ये बात जानने के लिए कि एयर इज एवरीवेयर टीचर फील्ड ट्रिप पर ले जाए बच्चों को, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स दे करके समझाए, मल्टीमीडिया कैप्सूल का इस्तेमाल करे, या फिर आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक. प्रोबिंग क्वेश्चंस को रेज करे टॉपिक से संबंधित. भाई जब हवा हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर, तो इसके लिए फील्ड ट्रिप पे ले जा करके तो कुछ स्पेशल दिखाया नहीं जाएगा. ये कहीं भी दिखा सकते हो, कहीं पर भी एग्जाम्पल दे सकते हो इसका. तो जो ए ऑप्शन है बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. नलिनी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल्स आर फ्रेंड्स. मतलब एक टॉपिक है एनिमल्स पर, एनिमल्स को कहा गया है कि हमारे दोस्त हैं, एनिमल्स आर फ्रेंड्स. तो क्लास थर्ड की स्टूडेंट है ये. इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी वुड बी. अगर आपको बेहतर तरीके से ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है तो कौन सा तरीका बेहतर होगा. फर्स्ट इज यूज अ चार्ट शोइंग पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस, या आस्क द स्टूडेंट टू सी पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक. तो भाई एनिमल्स आर फ्रेंड्स के बारे में जब पढ़ाना चाहती है तो जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स के पास ले जाओगे आप. सबसे बेहतर तरीका होगा जिसमें उनके ज्यादातर सेंसेस भी इन्वॉल्व हैं और उनको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, जो कि है सी ऑप्शन. एक वीडियो फिल्म का इस्तेमाल करेंगे और उनकी यूजफुलनेस दिखाएंगे एनिमल्स की, ह्यूमंस को कैसे कितना हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है आज के लिए लास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स डू नॉट बिल्ड अ नेस्ट ऑन ऑफ इट्स ओन.
कौन सी एक बर्ड है जो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती? क्रो है, कोयल है, स्पैरो है या बुलबुल है? तो बिल्कुल जो कोयल है वो एक चालाक बर्ड इसको कह सकते हैं, जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, जो क्रो है, कौआ है, उसके ही घोंसले में, उसके ही नेस्ट के अंदर जाकर के अपने अंडे दे देती है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, जो बर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्स ले करने के लिए अपने नेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही उनके जो बच्चे हैं जो एग्स से निकल करके आ जाते हैं, वो अपने जो नेस्ट है उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो मेन पर्पस इनका एग्स ले करना है नेस्ट का, और कोयल है जो अपने जो एग्स हैं वो क्रो के नेस्ट में जाकर के ले करेगी। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चंस, बहुत जल्दी में हमने किए हैं। आप रिपीट मोड पर देख लें इसको, अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी सही लगे वो कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपके क्या विचार हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक पेज से, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज Himanshi साइनिंग ऑफ।